नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ पवन तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक आज पंजाब में देखने को मिली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फ्लाईओवर से अपनी रैली को संबोधित करने पंजाब में कई योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का काफिला रोका और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। जिस वक्त प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का काफिला रोका, उसी वक्त SPG कमांडो सख्ते में आ गए और उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कड़ा किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक खड़े रहे और इसके बाद प्रधानमंत्री वापस भटिंडा एयरपोर्ट पर लौट गए। हम आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 42,750 करोड़ रुपए की योजनाओं को लागू करने के लिए शिलान्यास करने के लिए वहां जा रहे थे। साथ ही प्रधानमंत्री वहां राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री को भटिंडा एयरपोर्ट से चोपर लेना था और वहां से हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पहुंचना था, लेकिन वहां खराब रोशनी के कारण, साथ ही मौसम भी खराब था, बारिश होने के कारण प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर 20 मिनट तक इंतजार करते रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और SPG ने पंजाब के DGP से बातचीत की और सुरक्षा की पूरा जायजा लिया और इसके बाद PM मोदी ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पहुंचने के लिए सड़क से जाने का तय किया और उसके बाद PM मोदी का काफिला जब फ्लाईओवर से गुजर रहा था, उस दौरान फ्लाईओवर पर हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद मार्ग से 30 किलोमीटर पहले फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने PM का काफिला रोका। PM मोदी का काफिला वहां करीब 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहा और इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों को पंजाब पुलिस हटाने में नाकामयाब रही। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद तुरंत वापस एयरपोर्ट पर लौट आए और इसके बाद बताया जा रहा है कि अधिकारियों को PM मोदी ने आकर ये कहा कि अपने CM यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी को शुक्रिया कहना, धन्यवाद कहना कि मैं वहां से जिंदा वापस लौट आया हूं। ये कुछ जानकारी अधिकारियों ने न्यूज़ एजेंसी ANI को दी है और बताया जा रहा है कि PM मोदी इस बात से खासा नाराज हैं। और साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से इस बात का जवाब मांगा है, एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहां चूक हुई, जब केवल पंजाब पुलिस को इस बारे में पता था कि PM मोदी राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर सड़क के रास्ते से जा रही है, तो ऐसे में कहां ये चूक हुई, कैसे प्रदर्शनकारी सड़क पर फ्लाईओवर पर पहुंचे और PM मोदी को 15-20 मिनट इंतजार क्यों करना पड़ा। साथ ही आपको बता दें कि देश की राजनीति भी गर्मा गई है और तमाम जो BJP के अधिकारी हैं सभी लोग कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, पंजाब सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो भी PM मोदी के लेकर भी कई कमेंट कर रही है, कई टिप्पणियाँ कर रही हैं। वहीं ट्विटर पर भी PM मोदी के लिए हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, भारत स्टैंड विद मोदी जी, ये ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है PM मोदी पंजाब। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी ये भी ट्रेंड कर रहा है। वहीं गो बैक मोदी का भी हैशटैग ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर पहले PM मोदी का काफिला रोका गया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने में जब पंजाब पुलिस नाकामयाब रही, तब PM मोदी वापस भटिंडा एयरपोर्ट पर लौट गए। PM मोदी को वैसे तो चॉपर से जाना था, लेकिन खराब मौसम और रोशनी कम होने के कारण PM मोदी ने सड़क से जाने का निर्णय लिया और इसके बाद यह घटना हुई, और यह घटना हुई एक फ्लाईओवर पर। PM मोदी आज पंजाब में फिरोजपुर में होने वाली रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। वहाँ JP नड्डा पहले से मौजूद थे, तमाम नेता और तमाम जो कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, तमाम लोग PM मोदी की राह देख रहे थे। 42,750 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास PM मोदी आज पंजाब में करने वाले थे और ऐसे में फ्लाईओवर पर PM मोदी के सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली और जिसके बाद PM मोदी ने उस रैली को रद्द करने का फैसला किया और वापस भटिंडा एयरपोर्ट पर लौट आए। साथ ही गृह मंत्रालय ने इस बात की खुद जानकारी दी और गृह मंत्रालय ने भी यह माना कि PM मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है और साथ ही गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, विस्तृत जवाब मांगा है कि कहां PM मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है। हम आपको बता दें कि इस वक्त देश में सबसे मजबूत सुरक्षा PM मोदी के पास में है और ऐसे में अगर वहां सुरक्षा की चूक हो जाती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, साथ ही साथ राज्य सरकार पर, राज्य पुलिस पर एक बड़ा सवाल होता है। जब राज्य सरकार और राज्य पुलिस को इस बारे में पहले से जानकारी थी कि PM मोदी सड़क के रास्ते से रैली के स्थान पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में तो वहां पर प्रदर्शनकारी कैसे आए, एक ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो चुका है और इसी बात का जवाब पंजाब और तमाम जो BJP के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, लोग साथ ही इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं पंजाब सरकार से, पंजाब पुलिस से कि ऐसी सुरक्षा में चूक क्यों देखने को मिली। हम आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी को भी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन कल रात उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यालय के अंदर 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस वजह से मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन
पीएम मोदी इस वक्त उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे और कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे, और इसी दौरान रास्ते में ये सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। आप क्या सोचते हैं सबके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।